आज हम विजिट कर रहे हैं कनाडा का एक ब्यूटीफुल फॉर्म एनिमल। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। मैं हूं अपनी बेटी के साथ उसके फॉर्म में। टर्बो। सो ये हमारा सबसे बड़ा वाला है और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड इसके अंदर अराउंड 100 चिकन हैं, बट दे आर टू यंग राइट नाउ एंड स्मॉल। सो खाना देने लगी हूं सबको। भूख लग रही है। तुम तो हाथ से ऐसे से दे रही हो, अगर मैं हो ना तो मैं पूरा जग ऐसे फैला के दे दूं। हम पूरा जग ही देते हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसे उठा के दे दूं। लेकिन अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। स्नैक टाइम है। अच्छा, ये स्नैक टाइम है। खा चुके हैं मोटे-मोटे। बस देखते हैं ना। अच्छा, असल में पता है क्या? हमें भूख लगी। असल में इन्होंने तुमको देखा ना तो समझे कि टाइम हो गया, खाना देने वाली आ गई है, इसलिए बेचैन हुए हुए। ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये खूबसूरत सी जो ये बतखें हैं, मुर्गियाँ हैं, बतखें हैं, सब ने दोस्ती का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। और ना सिर्फ मुर्गियाँ और बतखें हैं बल्कि यहाँ पर टर्कीज भी घूम रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल सीन है। टर्कीज, मुर्गियाँ, बत्तखें, ये पूरा एक जो है टर्कीज का स्क्वाड आ रहा है। बहुत इनको नेचुरल माहौल मिला हुआ है, खुला हुआ माहौल है यहाँ पे। टर्बो, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। या एंड गार्ड डॉग टर्बो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? गार्डिंग। उसके पास देखो कितनी खूबसूरत फ्लावर बैठी हुई है, देखो ना। अब सब ने अपने अपने कम्युनिटी में चले गए हैं। टर्की सेपरेट हो गई हैं, मुर्गियां सेपरेट हो गई हैं और बतखें सेपरेट हो गई हैं। बिफोर दैट, या बिफोर दैट ऑल ऑफ देम दे वर टुगेदर। एंड उसको देखो वो कितनी भांगे दे रहा है मुर्गा है उसको वो वहां से मुर्गे अपना चीख रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने जो दिखाया था तो सारे जो थे मुर्गे जो थे वो अंदर अपने जो केज है उसमें बंद थे, और अभी सारे आज़ाद घूम रहे हैं पूरी इस ज़मीन पे जो लैंड है पूरी।
अकेले बेचारी खड़ी है। ये क्यों जाओ तो बाहर पूरा ग्रुप निकल गया। गो गो बरी गो। तो या दिस इज द फायर पिट। दिस इज द फायर पिट। तो इट्स गेटिंग देयर गेटिंग देयर। या आई मीन वी आर वर्किंग ऑन द ब्यूटिफिकेशन राइट नाउ। या बट वैसे तो फायर तो चलती है फायर पिट पे। इसीलिए तो मैं आई हूँ कि अपडेट देखूं क्या अपडेट है भाई, तुम लोगों ने क्या क्या काम किया, कितना काम किया हुआ है। इट्स लुक वेरी नाइस। एक दिन यहाँ आएंगे। अभी जो अभी हमारा जो फॉल सीजन आ रहा है तो इसमें यहाँ आके बैठेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल है ना। इट्स लुक सो नाइस। वेरी बिग। वेरी बिग तो। या इट इज वेरी बिग। अच्छा सो इट्स अ ब्यूटीफुल पॉन्ड नाउ। या अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बन गया। इसमें और भी पत्थर वगैरह लगाने हैं तुम लोगों ने अभी? अभी तो सेट ही कर रहे हैं लेकिन काफी हद तक डाल दिए हैं पत्थर वगैरह ना। ये देखो ये छोटी सी बर्डी कितनी प्यारी लग रही है। उसको कैप्चर करो जरा। छोटी सी बर्डी इधर जा रही है। अच्छा ये वाली बर्ड बहुत आती है यहाँ पे। अच्छा बहुत खूबसूरत लग रहा है। उससे पहले तुमने मुझे एक और भी आई थी वो लंबी सी बीक वाली। या I forgot the name, खूबसूरत। या I told you, अब मैं भूल गई हूँ मैं। वो मैंने तुम्हें नाम बताया था ना। बहुत खूबसूरत बर्ड्स आ रहे हैं और ये पॉन्ड बन के और खूबसूरत हो गई तुम्हारी लैंड ना। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह। कनाडा में किसी ने पाले हुए हों ये तमाम जो हैं मुर्गियाँ बत्तखें वगैरह, ये सीन कम ही देखने को मिलता है। ये हमारी जो ना गार्ड डॉग जो टर्बो है ये तंग ज्यादा करती है। ये भी टर्बो वो बड़े पॉन्ड को छोड़ के छोटे भी लगी हुई एंजॉय कर रही है। छोटे से पॉन्ड में एंजॉय कर रही है। चलो तो ठीक है जा खुश रहे भाई। Ha ha ha!
उसको बीच बीच में याद आता है कि अरे मैंने तो जीना है यहाँ पे, ये वाला डायलॉग बोलना था। करेंगे और आके तो ये हमारे पास ये बेंचेस वाली सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम इसके करके जो है ना। अच्छा बताइए, बताने वाली थी मुझे एप्पल साइडर की रेसिपी, क्योंकि इतने सारे एप्पल्स आए हुए हैं एंड आई सीरियसली हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद, तो मैंने सोचा कि भाई एप्पल साइडर ही बना लूं। ये मुझे भी निकाल दीजिए। 12 जो है ये एप्पल्स लेने हैं, एक ऑरेंज, और उसको आपने ऐसे मोटा मोटा से ही काट के धो लेना पहले। अच्छा, मोटा मोटा काट के इंस्टेंट पॉट में डालें उसको। ओके। और उसमें साथ में आपने जो है आपने सिनेमन स्टिक्स डाल देनी है, दो एक डाल दें, और हॉट पेपर जो है काली मिर्च के कुछ दाने वो भी डाल दें, और इंस्टेंट पॉट पे आप उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएं, और जब उसको उसको फौरन खोलिएगा नहीं, थोड़ा सा उसको स्टीम में रहने दें, बाद में आप जिसको उसको निकाल लीजिए गूदे वगैरह समेत, जो है ना थोड़ा सा वो रह जाएगा क्योंकि वो कुक हो चुका होगा सारा। सही, सारा कुछ कुक हो चुका होगा, तो आपने उसको उसका जूस निकाल लेना है, और अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ा मीठा कम है, वैसे तो एप्पल की वजह से वो मीठा खुद ब खुद होगा, बट इफ़ यू फील इट के मीठा कम है तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर मिला सकते हैं। सही। और आप उसको गरम गरम नोश फरमाएं, उसको जो पूरा इंस्टेंट पॉट तैयार हो गया है जितना पी सकते हैं पी लें, और बाकी फ्रिज में रखें और 2-1 दिन में ख़त्म कर दें, और आप नया बना लीजिए। पूरी सर्दियों के लिए तो वाले काफ़ी होगा, तुम सारे जो है ये उतार लो और उसके बाद जो है ना उसको बना लो। कैसा लगा मेरा और तैयब का आपको सो फार का प्रोग्रेस? काफ़ी काफ़ी सारा काम किया हुआ है, कुक्स नए बन गए हैं, पॉन्ड बन चुका है, और उन्होंने फायर पिट को भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर लिया है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, माशाल्लाह से बहुत खुश बन गया तुम लोग का ये फार्म हाउस। नेक्स्ट ईयर से हम लोग इंशाल्लाह जो है इसको पब्लिक के लिए भी खोल देंगे। यस, इंशाल्लाह। हमारी बड़ी बहनें देसी अंडे देने लग गई हैं।
अरे हाँ, ये भी तो एक अपडेट है, ये भी प्रोग्रेस है कि मुर्गियों ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अभी अभी मैं वो उनके अंडे जो है वो बॉयल करके खा के भी आ चुकी हूँ। अच्छा।